नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस की जांच तेज कर दी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर जिले पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। खबर यह भी है कि इस मामले में LIU ने फतेहपुर में उमर गौतम से जुड़े 50 से अधिक कारोबियों के मोबाइल नंबर की लिस्ट एटीएस को सौंपी है। साथ ही एटीएस उमर से जुड़े लोगों की चल अचल संपत्ति को भी खंगाल रही है। अवैध धर्मांतरण केस का आरोपी उमर गौतम मूल रूप से फतेहपुर जिले का के पंथुआ गांव का रहने वाला है, इसलिए अब एटीएस उससे जुड़े कारोबियों और करीबियों से पूरी तरह से जाँच कर रही है, सवालात कर रही है। इसके अलावा जिले के एक CBSE बोर्ड के स्कूल और एक निजी मदरसे में फंडिंग की आशंका भी जाहिर की गई है। वहीं जबरन धर्मांतरण मामले की जांच में पुलिस को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी के कई जिलों में उमर और जहांगीर आलम के धर्मांतरण के तार जुड़े हुए हैं, जिसमें उनके गिरोह में शामिल 150 से ज्यादा लोगों की लिस्ट पुलिस मामले की जांच कर रही है। ATS को सौंपेगी ये लिस्ट, और बताया गया है कि इस गिरोह के तार नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से फतेहपुर, फतेहपुर से बरेली और लखनऊ से वाराणसी तक जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इस गिरोह के लोग गरीब हिंदू परिवारों को लालच देकर या फिर धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। अब वहीं यूपी के कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि वहां कर्नलगंज इलाके में कुछ हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद वहां मारपीट का मामला भी सामने आया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ परिवारों ने वहां से घर बेचकर जाने का फैसला कर लिया और इसके लिए अपने घर की दीवार पर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। भैया इसलिए बेच रहे हैं, सामने वाली बहुत खतरनाक औरत है, मुसलमान ने कह रही है कि यहाँ से खाली करो, इसलिए कह रही है कि यहाँ से पाकिस्तान बनेगा। हाँ। कह रही यहाँ से पाकिस्तान बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डारेगी, हड्डियाँ डारेगी, मेरे घर में छत में डारेगी, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उसको है तो देखो मार पीट करे ना, उसके बिटियन का खींच खाँच के कपड़े लत्ते फाड़े। बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान में सवाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो सवाद मिलेगा। एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु CCTV कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि भविष्य में इस इलाके में कोई भी इस तरह की बदतमीजी अपराध करने का ना सोचे। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लाइव। अजीत नमस्ते, और हमारे साथ चंदन जजवाड़े भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अजीत, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये कर्नलगंज का जो मामला है, ये छेड़खानी का मसला है, जबरन धर्मांतरण का मसला है, या फिर नूरपुर जैसा हुआ था वैसा कोई मसला है, क्योंकि दो समुदायों में भेदभाव है और इसीलिए एक समुदाय जो है प्रताड़ित होकर वहाँ से पलायन की बात कर रहा है?
देखिए बिल्कुल आनंद, मैं उस घर में बैठा हूँ उस परिवार के साथ जिसने अपने घर के बाहर ये लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है और हम यहाँ से पलायन करना चाहते थे। वजह यह है कि यहाँ सिर्फ 10 घर हिंदू फैमिली के हैं, बाकी सब मुस्लिम फैमिली के। इनका ये आरोप है कि ये लगातार धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, कहते हैं काफिर बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे, या तो छोड़कर चले जाओ। उस परिवार की जो पीड़ित है उनकी माँ यहाँ मौजूद है, बताइए क्या परेशानी है, क्यों अपने घर के बाहर लिख दिया पलायन करना है? अरे हमको परेशान करा जा रहा था तो हम लिखा था कि हम घर पलायन कर रहे हैं। क्या होता था यहाँ? यहाँ थोड़ा अजीब गरीब काम होती थी, ऐसे अटैक करा जाता था लड़कियों पर, छेड़छाड़ करा जाता था लड़कियों पर। और क्या कहते थे वो लोग? कहते थे कि घर पलायन करो, कहते वो लड़कियों पर वो करो, हमारा घर कपड़ हो तुम लोग कपड़ यहाँ से छोड़ कर जाओ। धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आई? धर्म परिवर्तन की बात आई ऐसे कि कह रहे हैं कि लड़की क्या कह रही बताइए। अरे आप बताएं, धर्म परिवर्तन की बात क्यों हो रही है? कहते थे कि आप घर छोड़ के जाओ ना तो हमारा हाथे लड़कियां दे, तो हम इतना कहाँ ये सब कर पाएंगे ज्यादा। क्या हुआ था बेटा बताओ? बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन है तो मुसलमान बन जाओ, हिंदू बन, हिंदू नहीं बनना, मुसलमान बन जाओ। आप लोगों के साथ क्या करते हैं लोग जब आते हो आप? छेड़खानी करते हैं, गंदी गंदी वो कमेंट्स करते हैं। और क्या कहते हैं बताओ आप विस्तार से? बोलो बहुत गंदी गंदी बात बोलते हैं, बहुत गंदी, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बोलते हैं हिंदू वो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। हाँ। जबरन बनाना चाहते हैं कि? जबरन बनाना चाहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, उन लोग जबरन बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं कि जबरदस्ती हम लोग के साथ ऐसा करते हैं। अब हम लोग के साथ पुलिस है, हम लोग के साथ वो है प्रदर्शन। घर है आप लोग कितने? 10 घर है, 10 घर। वो लोग कितने? उन लोग तो पूरे पटरी है, पूरी पटरी है, पूरी पटरी है। कब से हो रहा है ये पूरा वाकया, कब से हो रहा है? ये तो अत्याचार तो बहुत दिन से चला था, बाकी अब तो 2-3 महीना से कुछ ज्यादा ही चलने लगा। ये अफ्ताब जोहरा है, गुड्डू है, खुशनुमा है। तो पुलिस में आप लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हम लोग का साथ दिया, तुरंत आए हम लोग, भाई साथ तुरंत दिन से तुरंत हम लोग सुनवाई भी करी था पुलिस वाले। अभी भी आपके घर के बाहर पुलिस लगी है? हम लोग, हमारा साथ पुलिस लगी है, 10 रोज 12 पुलिस रोज लगी रहती है, 24 घंटा हम लोग के पास पुलिस लगी रहती है, हम लोग उनके साथ दे रही है, हर पुलिस हर मौके पर हम लोग को काम दे रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए आनंद, ये वो परिवार है जो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि वो बच्ची भी है जिसके साथ वाकया होता है, कि ये छेड़खानी करते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं कि जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर यहाँ रहना है तो मुस्लिम बन जाओ। तो कई सारे आरोप ये फैमिली लगा रही है अपने घर के बाहर, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि अब हम ये बेच कर यहाँ से चले जाएंगे और पलायन कर लेंगे। पर अजीत, ये जो ये नूरपुर में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो मुस्लिम समुदाय से ये तर्क आया था कि हम तो सालों से साथ में रहते हैं, अचानक ये 2-3 महीने में माहौल इतना कैसे खराब हो गया? तो ये लोग वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जो है बात है जो ख़राब होने लगी है, बिगड़ने लगी है, और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को छेड़ा जाता है, तो ये जो छेड़ रहे हैं इनकी क्या गिरफ्तारी हुई है? उधर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये आप लोग कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग नवासी से रह रहे हैं, मतलब काफी दिनों से, 30-35 साल से रहे। हाँ, हम लोग ये झगड़ा अभी क्यों शुरू हुआ? अभी शुरू हुआ कि अब इन लोग, पहले ऐसे नहीं लड़ाई होती थी, पहले होती थी तो छोटा मोटा ऐसे वैसे हो जाती थी। अफ्ताब आए हैं जब से ये हो रहा है। कौन है? ये इनका भाई, जोहरा का भाई। जब से वो आए, जब से हो रहा, जब से रह रहा है, जब से 4-5 साल से ज्यादा लड़ाई होने लगा। इतना लड़ाई नहीं होती थी, कोई लड़ाई यहाँ होती ही नहीं थी। पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? हाँ, उन लोग के खिलाफ तो लड़ाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो कर रहे हैं पुलिस, आरोपी लोग पकड़े गए हैं, रहमान अब नहीं पकड़े गए ना, जोरा पकड़े गए, वो लोग को घर के भी नहीं पकड़े गए, वो लोग भाग गए हैं। अच्छा, भाग गए, वो लोग फरार हैं। तो आप लोग घर से निकल रहे हो? नहीं, अभी हम लोग घर से तो नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए, ये लोग 89 से यहाँ रह रहे हैं आनंद, यानी लंबा अरसा बीत गया, 30 साल से अधिक समय हो गया, कभी विवाद नहीं होता था। एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति आया जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और लगातार ये विवाद चल रहा। हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी जो पीड़ित हैं, जो बच्ची है, जो उनकी माँ, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी आफ्ताब की गिरफ्तारी पुलिस नहीं की है, लेकिन इस पूरी गली में पुलिस की जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और एक लाइन से 10 परिवार ये हिंदुओं के हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि पुलिस और प्रशासन इनके साथ खड़ा है। जी, तो क्या ये एक ही परिवार है जो कंप्लेन कर रहा है कि बाकी 10 परिवार भी कंप्लेन कर रहे हैं? अजीत, देखिए बिल्कुल सभी लोगों ने कंप्लेन किया, और जो इनके घर के जो पुरुष हैं उन सभी लोगों को अभी इस वक्त थाने पर बुलाया गया, लिहाजा अभी पुरुष यहां पर नहीं है, लेकिन सभी 10 घरों ने कंप्लेन किया है। जी, जितने लोग हैं यहाँ? हाँ। बेटा, 10 घर हो आप लोग, सभी लोग प्रताड़ित हो। जी,
सब लोगों ने शिकायत करी जी। तो देखिए इन सभी लोगों का कहना है कि सभी लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन चूंकि अभी इस वक्त कोई जेंट्स नहीं है, सबको थाने पर बुलाया गया है, पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, चूंकि एफआईआर भी लिखी गई है, तो उन सबको लेकर कार्रवाई चल रही है आनंद। बिल्कुल अजीत, और कहीं ना कहीं घबराहट भी साफ दिख रही है। चंदन जडवाले भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब जब आपने वहां पर घर की महिलाओं से बात किया, तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो जिस तरह के शब्द उनके खिलाफ प्रयोग किए जाते हैं, वो टीवी पर बोलने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इतना घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काफी चल रहा है, प्रताड़ना काफी समय से झेल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ये व्यक्ति जो आया है इसकी वजह से पिछले 4-5 साल से झगड़े ज्यादा हो गए, खासकर पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा हो गए हैं। अजीत, मैं फिर आपकी ओर रुख करता हूं जरा, लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं इस पूरे धर्मांतरण रैकेट के, उससे हमारे दर्शकों को रूबरू जरा करा दें। धर्मांतरण के तार जो हैं दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी पहुंचते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको गुरुग्राम के उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। गुरुग्राम के रहने वाला राकेश यादव, उसने अपने मूकबधिर बेटे मुन्नू यादव का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया था। अब उनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन करवाकर उनके बेटे का नाम अब्दुल मनान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले का पर्दाफाश होने के बाद एटीएस के अधिकारी उनके पास पहुंचे। मन्नू यादव के पिताजी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, क्या सूचना आपको और कब दी गई? देखिए, मेरे बेटे का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, और सूचना हमें मिली थी, बेटे ने ही दी थी मुझे सूचना, और ये भी 17 फरवरी को सुबह के टाइम। क्या कहा आपको? मेरे को बोलता सुनता है नहीं, गुंगा बहरा है तो इशारों में बात करता है, तो उसने ठाक एक ऐप जुड़ आते पकड़ा दिया, उसमें देखा था, तो बोल तो सकता ही नहीं है। एफिडेविट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मन्नू यादव पिता का नाम है राजीव यादव, और ये धर्म हिंदू कन्वर्जन किया नाम मन्नू यादव से, ये मनन ये अपना अब्दुल मनन कर दिया। अच्छा, वो नोएडा में कहाँ रहता था और क्या करने के लिए भेजा था आपने? देखिए, नोएडा में हमने कहीं नहीं भेजा है, 2017 में एक बार बच्चे ने जिद की थी कि मैं नोएडा में जाके वहाँ पे एजुकेशन लूँ, हमने मना कर दिया, लेकिन फिर जो साथ के शरारती तत्व बच्चे थे वे ले जाके उसको नोएडा, मतलब हमारे से हमारी नॉलेज में नहीं था। तो क्योंकि उससे 16 फरवरी को उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए थे उसके सारे, हमें ये नहीं पता था, क्योंकि बच्चे ने हमें कहा, क्योंकि वो अपनी नौकरी की तलाश में घूमता था कि मम्मी मेरे को अपना रेज्यूम वो देना है और मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके मेरे परिवार में कोई चीज भी अलग नहीं थी, मेरे बच्चे को हर चीज का पता था कहाँ क्या रखी है, तो उसका सारे कागज वगैरह जो एक फाइल में रखे हुए थे वो अपनी, मेरे को ये नहीं बताया कि मैं कौन सी लेके जा रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, और वो अपनी 10वीं की और 12वीं की और ITI का डिप्लोमा और जो फिटर का सैम उसने पास किया था, ATM कार्ड, बैंक की कॉपी, ICICI बैंक की कॉपी, मतलब वो हर चीज उनसे, पैन कार्ड उन्होंने मंगवा ली, ये हमें बाद में पता चला, हम तो जाने भी ये नौकरी के लिए जा रहा है। चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं। चंदन, आपने उस परिवार से बात की जिसके मूकबधिर बच्चे को उन्होंने कन्वर्ट किया, लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर इनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, और इसका जो मोटिव है बहुत ही अल्टीरियर मोटिव है। क्या कहा परिवार ने, माता पिता ने? देखिए, परिवार ने जो सबसे गंभीर बात ये कही है कि उस बच्चे ने जब पिछले दिनों फोन किया 4-5 दिन पहले वीडियो कॉल पर, तब ये बताया कि वो विदेश जाने वाला, अगले 3 महीने में वहां उसे जमीन दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी और विदेश की लड़की से शादी कराई जाएगी। यानी जो ATS का दावा है लगातार कि धर्म परिवर्तन के पीछे कई तरह की साजिश रची जाती है और उनको लालच दिया जाता है बच्चों को, वही लालच इस बच्चे को भी दिया गया और ये समझ रहा है कि इसे विदेश ले जाकर के वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी और वहाँ शादी कराई जाएगी। ये गंभीर मामला है। एक और मामला आनंद बताना चाहूंगा कि नोएडा की डेप सोसाइटी से बार बार ये बात जुड़ रही है, क्योंकि परिवार का भी आरोप है कि डेप सोसाइटी में बच्चा गया और वहां के लोगों ने मना कर दिया कि यहां आपका बेटा नहीं पढ़ता है या नहीं रहता है, लेकिन जब उनका बच्चा धर्म परिवर्तन कर चुका था ये खबर आई तो उसके कुछ कागजात तलाशे गए, उस कागजात में एक फोटोकॉपी मिली जिससे ये पता चला
कि उनका बच्चा नोएडा की डेप सोसाइटी में पढ़ता था और वहीं उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो ये तमाम तरह के आरोप है, कहीं ना कहीं नोएडा की सोसाइटी से ये जुड़ रहा है। और लगातार ये बात सामने आ रही कि कई लोग ऐसे बच्चों से मिलने आते थे, उनमें जो बच्चा उनकी साजिश का शिकार होता था उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। 3-4 साल से कोशिश की जा रही थी और फाइनली जो है इसी साल फरवरी महीने में इस बच्चे का धर्मांतरण हुआ जो गुड़गांव का है। जी चंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने कहा था नोएडा की बात की, तो वहीं धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद नोएडा के एक परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई है। इस परिवार का दावा है कि उन्होंने 2018 में अपने बेटे का लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवार का कहना है कि उनका बेटा सेक्टर 30 में ITI का कोर्स करने जाया करता था। परिवार के मुताबिक उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम रिहान अंसारी रख दिया गया। परिवार का कहना है कि उनके बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें ये बात पता चली कि वो कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ के संपर्क में भी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को उनके बेटे की तलाश में मदद का भरोसा भी दिया है। मई 2018 से गया हुआ है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई फेस टू पुलिस स्टेशन में 11 मई 2018 को करवाई और हमने बताया पूरा कि ये इसका रिलीजन कन्वर्ट का इसमें है। तो बोला गया कि आप इस तरह से लिखो FIR, जैसा हम बता रहे हैं वैसे लिखो। वो जिसका एक लास्ट फ़ोन आया था जब वो गया था, उससे पहले उसने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी। मोहम्मद नाजिर नाम का था वो आदमी और वो बहुत बदतमीजी से बोल रहा था कि अगर आप ये आपका लड़का अगर कुछ करना चाहता है, करने क्यों नहीं देना चाहते हो, आप कौन होते हो मना करने वाले। थाना फेस टू पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे के उपरांत दौरान तफ्तीश ये बात पता चली कि उस लड़के ने फेसबुक पर मोहम्मद रेहान अंसारी नाम से एक ID बना रखी है। वो ID अब बंद है। लड़के की तमाम माध्यमों से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के DCP रणविजय सिंह हमारे साथ फोन पर हैं। नमस्ते रणविजय जी, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। ये अब जो ये जो धर्म परिवर्तन का ये जो रैकेट है, इसके तार अब नोएडा में इस ITI कोर्स करने वाले इस बच्चे से भी जुड़ रहे हैं। रियान अंसारी की कंप्लेंट भी अब आई है सामने। देखिए, चूंकि इस प्रकरण में UPATS के द्वारा जांच की जा रही है, सूचना की जा रही है, तो हम लोग के लेवल पे अभी सेक्टर 117 का मामला है, उससे जुड़ी हुई कुछ नहीं मिली है। लेकिन बैकग्राउंड में जो आपने भी बताया है कि पहले जो कुछ मामले हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और उसमें जो भी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जानी है हम लोग करेंगे। जी, जो जो प्रिलिमिनरी आपने जो इन्वेस्टिगेशन है और जो जब आपने परिवार से बात की, तो आपको लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है इस पे इसकी तरफ इशारा है? देखिए, हम लोगों ने इस चीज को देखा है और हमारे तरफ से पूरे इस मामले को सही तरीके से हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं और जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग के लेवल से होगी उसको जरूर इंश्योर करेंगे। चूंकि इस तरह के रैकेट सामने आना, बाकी इस तरह की चीजें यहाँ पे आसपास की जगहों में होना, कहीं ना कहीं से सामने कुछ ना कुछ संबंध जरूर होंगे। तो हमको तब ये जब संज्ञान में आया उसके बाद से हम लोग इस सभी मामले को उसी बैठक में देखेंगे। जी, क्या क्या रियाज अंसारी ये जो लड़का है इसके लोकेशन का कुछ पता लगा है कि अब ये फिलहाल कहाँ पर है? अभी उस पर काम चल रहा है, उस पर बात करते हम लोग। क्योंकि ये जो इससे पहले वाला जो केस है जहां से ये पूरा धर्मांतरण का ये जो रैकेट बस्ट हुआ था, वो मूक बधिर बच्चा कहीं ना कहीं इसके तार ऐसे जुड़ रहे हैं कि वो कहीं उसे केरल भी लेके जाया गया था और कहीं प्रलोभन ये दे रहा है और कुछ पाकिस्तानी जो हैं लोग हैं उनसे भी ये संपर्क में था। सारे एंगल्स पे जांच चल रही है हम लोगों की और हम लोग फाइंडिंग्स जो है वो हम लोग उसको देख रहे हैं और क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक बड़े एजेंसी के द्वारा, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग के लेवल से एक्सपेक्टेड होगा हम लोग देंगे और शेयर करके, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी सारी अवैध कार्रवाई की तरह के काम हुए हैं उस विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आपके हिसाब से सर, ये फाइनल क्वेश्चन आखिरी सवाल मेरा कि ये वन ऑफ केस लग रहा है नोएडा का कि शायद या और भी केसेस हो सकते हैं? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन और जाँचें चल रही हैं तो अभी हो सकता है कि कुछ और भी केसेस जाएं। जी जी, रणविजय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अजीत सिंह से भी फिर बात करेंगे, चंदन जजवाड़े से भी बात करेंगे। अब यूपी के गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद अब इस गिरोह के तार देश के कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
एटीएस की जांच में ये बात सामने आ गई कि देश के कई राज्यों में इस गिरोह ने 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। जांच में ये भी सामने आया है कि इस काम के लिए विदेशी फंडिंग हुई। जांच में अमेरिका, कतर और कुवैत से भारत में मौजूद 65 से ज्यादा एनजीओ में पैसा भेजे जाने की बात सामने आई है। इनमें से ज्यादातर संस्थाओं ने उमर गौतम संस्थाओं से उमर गौतम जुड़ा है, यानी ज्यादातर संस्थाओं से उमर गौतम का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। न्यूज 18 के हरीश गौड़ की खबर के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद में मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशन वेलफेयर नाम के एक ट्रस्ट से आरोपी उमर गौतम 1997 से जुड़ा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब ट्रस्ट ने उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए एक बयान में यह भी साफ किया गया कि अमेरिका से उनके ट्रस्ट के लिए डोनेशन तो आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं किया जाता। यूएसए से मेरे फंड आते हैं बच्चों की फीस के लिए, खाली बच्चों की फीस, जो स्कूलों में बच्चे की फीस होती है उसके लिए काम आता है। सालाना अमूमन कितना पैसा आता है? कभी 7 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। एक साल में कभी कन्वर्जन के बारे में उमर साहब ने बात की कि कुछ लोगों को? और उससे उमर साहब का कोई लेना देना नहीं। 1997 से इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है उमर गौतम, उसने भी धर्म परिवर्तन किया हुआ है। उसके बाद इन बच्चों के साथ वो क्या करता था इस ट्रस्ट ने कभी ध्यान नहीं दिया, अब अचानक से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जब उसकी गिरफ्तारी हुई है। अमित जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब अचानक से उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और केवल अब एटीएस ही नहीं, अब भले ही नोएडा पुलिस कुछ के अधिकारी कुछ ना कहें, भले ही फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं कहें, लेकिन इनके जो आला अधिकारी हैं वो लगातार हरकत में है। जैसे कि हम बात करें तो 117 में जहां पर नोएडा डेफ सोसाइटी है, वहां पर इस वक्त जो है भारी मात्रा में पुलिस बलों को डिप्यूट किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मामले सामने आ रहे, सबसे पहले नोएडा फेज 2 में एक महिला का मामला सामने आया जिसमें उनके बेटे का धन परिवर्तन का मामला सामने आया, सोशल मीडिया से उनको जानकारी मिली। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 45 से एक अशोक नारायण ने कहा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और उनको मालूम ऐसे चला कि जब बेटा घर पहुंचा, दरअसल जहां पर बेटा को वो पढ़ाई करवा रहे थे वहीं पर नोएडा डेफ सोसाइटी के बगल में ही उन्होंने घर किराए पर ले लिया था और रोजाना बेटे से वो कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उसे उनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, घरों से उसे बाहर निकाला और कह रहे हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक बात है, तब उनको शक वहां से हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल पर देखा कि एक जो बोल नहीं सकता है, कुछ सुन नहीं सकता, उसका एक वीडियो देखा और ब्लास्ट जैसा था, कुछ ह्यूमन सुसाइड जैसा। तब उन्होंने उस वीडियो को लेकर नोएडा साइबर सेल पहुंचते हैं, वहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में आती है, ये 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद बकायदे उनसे उनको बुलाकर भी कई बार पूछताछ की जाती है और उनके मुताबिक नोएडा पुलिस उनको लेकर दिल्ली के हयात होटल भी वहां पर पहुंची थी, वहां पर एक शख्स के साथ पूछताछ भी हुई थी। तो ये भी मामला लगातार चल रहा है। तो पुलिस हरकत में है और लगातार नोएडा डेफ सोसाइटी और इस तरीके से के लोग जो कि जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है जी। और समाज के गरीब तबके और फिर जो ये जो वर्ग है, डिसेबल्ड वर्ग है या स्पेशली एबल्ड वर्ग है, उनको टारगेट करना और भी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना रेडिकलाइज करने के लिए, ये तो बहुत ही गहरी साजिश है। और उमर गौतम के जो वीडियोस निकल कर आए हैं उसके जो तथ्य अगर आप उसको खंगालेंगे तो और भी दिल दहलाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये और ये रैकेट जो है छोटा मोटा रैकेट नहीं, बहुत ही बड़ी सोची समझी ऑर्गेनाइज वेब नज़र आ रही है। अमित, अजीत और चंदन, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल प्रधानमंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से 14 नेताओं को न्योता दिया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम के साथ साथ कई दलों के बड़े बड़े नेता भी आज उनको निमंत्रण दिया गया है। दोपहर 3 बजे से होने वाली इस बैठक से पहले दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कश्मीर के नेताओं ने अलग अपनी अपनी बैठकें की। आज की बैठक में गुपकार के नेता भी शामिल होंगे।
महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कल राष्ट्रमंच के साथ वहां पर पहल की और अब खुद भी निकल चुके हैं। सारे लीडर्स एक एक करके लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर खुलकर संवाद होगा, चर्चा होगी। कहा जा रहा है ये पहली चर्चा है, ये शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है। उस वादे पर खरे उतरें जहां पर ये कहा जा रहा है कि आगे जाकर जम्मू एंड कश्मीर का पूरा पूर्ण इंटीग्रेशन भी होगा और धीरे धीरे उसको जो राज्य का स्तर है उसे वापस देने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है उसके रोड मैप पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कश्मीर पर होने वाली इस बैठक से पहले दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस समय कश्मीर के बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के जम्मू कश्मीर से नेता रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, जितेंद्र सिंह शामिल हुए। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है के मुताबिक इस बैठक में शाम को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा हुई। ऐसा है कि डायरेक्शंस दी गई हैं, वही डायरेक्शन करेंगे। किस तरह की डायरेक्शंस हैं सर? जो मीटिंग में बात होनी है भाई, कुछ अगर सर बता सके किस तरह की डायरेक्शंस हैं, क्या बात हुई, क्या अपनी बात है पार्टी की? देखिए गाइडलाइंस होती है वो पार्टी प्रधान की तरफ से होगी। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से, विक्रांत यादव दिल्ली से और अरुण सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर खासकर वैली में एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि हर जगह जो है स्टोरी नैरेटिव एक्सपेक्टेशन अलग है। श्रीनगर में देखें, वैली में सिर्फ देखें, पूरे कश्मीर में और फिर जम्मू कश्मीर को मिलाकर देखें, हर जगह मांगे अलग अलग हैं, लेकिन क्या एक रास्ता की आगे बढ़ते हुए वो सब करने की जरूरत है जिससे कि राज्य का स्तर वापस मिल जाए, उस पर कहीं ना कहीं समिति बनेगी, सहमति बनेगी? देखिए आनंद, सबकी नज़रें खासतौर से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी नज़रें आज इस मीटिंग पे हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ सामने आ जाएगा, किन चीज़ों पे बात होगी। यहाँ के जो लीडर्स गए हैं खासतौर से जिनका ताल्लुक अब गुपका डिक्लेरेशन के साथ है, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, तारिगामी हों और भी बाकी लीडर हों, देखिए उनका तो स्टैंड आपको मालूम है कि परसों उन्होंने वाजा किया कि 370 और 35 ए से मुतलिक वो बात करें। इवन महबूबा मुफ्ती तो यहाँ तक पहुंचे कि देखिए जी बातचीत के लिए पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार का स्टैंड है, अब देखना होगा कि क्या कुछ वहां से सामने आएगा और क्या मीटिंग का एजेंडा होगा। ऐसा लगता है कि बात होगी स्टेटहुड पे जरूर, बात होगी जरूर कि इलेक्शंस कैसे किए जाएं, इस चीज पे भी बात होगी कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है क्या उससे मुतलिक कोई कंसेंट इनसे लिया जाएगा या इनसे राय ली जाएगी कि कैसे करना चाहिए, कहीं उनको एतराज तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज तक अगर इनको रिजेक्ट किया गया था मुफ्तीज और अब्दुल्लाज को, तो आज इनको क्यों ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, ये बात पता चल पाएगी 3 बजे के बाद जब मीटिंग होगी और उसके बाद जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज रवाना हुए 11 बजे, 12 बजे वो दिल्ली पहुंचे, महबूबा मुफ्ती, तारिगामी और बाकी लीडर कल ही पहुंच चुके थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 बजे के बाद जो मीटिंग शुरू होगी किसको क्या कहने का मौका मिलेगा और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस मीटिंग के लिए एजेंडा फिक्स किया गया होगा क्या सिर्फ उसी पे बात होगी या इनकी बात भी सुनी जाएगी। जिस तरीके से इनको ऑन बोर्ड लिया गया है उसका देखना होगा कि क्या मकसद है। जिस तरीके से बात की जा रही है कि शायद स्टेटहुड रिस्टोर करने से मुतलिक बात की जाएगी कि कब तक होगा, क्या यूटी में कहीं इलेक्शन तो नहीं होंगे यूटी रह के, तो ये देखने वाली बात होगी। और सबकी नजरें आज जम्मू कश्मीर के खासतौर से लोगों की नजरें इसी मीटिंग पे है, चाहे वो कश्मीर के लोग हों या जम्मू के लोग हों। जी, चुनाव के बाद क्या सदन में, संसद में इस बात को रखा जाए कि राज्य स्तर को वापस दिया जाए, स्टेटहुड को वापस दिया जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट की प्रक्रिया है, क्योंकि इसे संसद के तरफ से पारित करना पड़ेगा रेजोल्यूशन के बाद, तभी हो सकता है प्रधानमंत्री या कुछ नेता मिलकर आपस में वादा नहीं कर सकते लेकिन उस पर काम कर सकते हैं कि नहीं ये जरूरी है। खुले मन से उन सबसे बात की जाएगी जिनको भले ही जिनकी राजनीति को रिजेक्ट किया हो लेकिन उन्होंने भारत के संविधान पर शपथ ली है बतौर जब वो पार्लियामेंटेरियंस बने हैं, तो इसलिए उनसे भी बात की जा रही है। लेकिन विक्रांत, सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, उस बैलेंस को रिस्टोर किया जाएगा कि नहीं? खासकर डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो 2021 के सेंसस तक रुका जाएगा कि नहीं? जस्टिस देसाई के अंदर जो कमीशन है, जो कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशंस क्या है? क्या जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए? क्योंकि आबादी, जनस्तर और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखा जाए तो जम्मू को तो कम से कम 45-46 सीटें होनी चाहिए, जबकि बनिस्पत कश्मीर के जिसको कि 40 या 41 सीटें होनी चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा होगा। और क्या इस डिलिमिटेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया
डेमोक्रेसी की प्रक्रिया पर सारी पार्टियां एक साथ चलने को तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि जो 370-35A का राग अलापेंगे वो तो फिर अब इररेलेवेंट हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आनंद, देखिए 370 की जहां तक बात है वो केवल जो जम्मू कश्मीर, खास तौर से अगर कश्मीर की बात करें तो वहां की पार्टियां जरूर 370 की बात करती हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने वोटर्स को संबोधित करना है। दिल के अंदर, अपने दिमाग के भीतर वो भी ये जानते हैं कि अब 370 बहुत पीछे छूट चुका है, अब बात उससे आगे की करनी है। उन्हें ये मालूम है कि जब प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से उन्हें बुलाया गया है तो बात अब आगे के रोड मैप पे होगी, पीछे जो बीता उस पर कतई बात नहीं होने वाली। लेकिन चूंकि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी सर्व करना है तो इस तरीके की बातें जरूर कहते हैं। अब रही बात की इस बैठक का, ये बैठक बहुत ही बड़े, इसे माना जा सकता है घटनाक्रम, क्योंकि 370 को हटाने के बाद से जो राज्य का पॉलिटिकल एक जो संपर्क होता है वो एकदम ना के बराबर हो गया था। और इस बैठक ने यह साबित किया है कि सरकार ये चाहती है कि जो पॉलिटिकल रास्ते और जो राज्य के साथ है वो लगातार सुचारू रूप से चलना चाहिए और आगे अब किस तरीके से काम हो, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद निश्चित तौर पर जैसा आपने इशारा किया वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जम्मू ना केवल आबादी, भौगोलिक स्थिति के रूप में भी जम्मू का अधिकार अब ज्यादा बनता है और कश्मीर का कम बनता है। हो सकता है इस पर भी चर्चा हो और जो कश्मीर के जो नेता है इस पर आपत्ति भी जताएं, लेकिन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू होगा और आगे भविष्य की तरफ देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जी, बराबरी का दर्जा और जिस तरह से भौगोलिक जो ब्रेकअप है और आबादी का ब्रेकअप है, सब कुछ उसके हिसाब से तो जिसको जो मिलना चाहिए वो बराबरी होनी चाहिए, वो एक अहम बात है। दूसरी बात ये है कि ये सारे जो गुपकार के गैंग हैं जिन्होंने पंचायत इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, उन्होंने सबने डीडीसी में शिरकत की क्योंकि उनको डर है कि कहीं एक अल्टरनेट लीडरशिप जो है इन दो परिवारों से आगे, जिन्होंने कश्मीर का और इस पॉलिटिक्स के नैरेटिव को कंट्रोल किया, उनसे आगे बढ़कर कोई ना निकल जाए। अगर गुलाम नबी आजाद साहब और बख्शी साहब को छोड़ दे तो बहुत ही कम अमूमन लीडर्स आए हैं जम्मू कश्मीर से जो कि नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉन पीडीपी हो, यानी महबूबा मुफ्ती, यानी ये मुफ्ती परिवार से ना हो या अब्दुल्ला परिवार से हटकर हो। अब कश्मीर से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने भी गुलाम नबी आजाद के घर पर एक अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आज प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर चर्चा हुई। आज की बैठक में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और ताराचंद जो है वो शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मीर साहब, क्या मांग होगी प्रधानमंत्री से? मैंने कहा इस वक्त पहले हम मांग की बात नहीं रखेंगे। पहला प्रिंसिपल चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक आउटरीच करने की कोशिश की पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली, जो बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने ओवरऑल डिस्कशन के बाद में इसको रिस्पॉन्ड करने का फैसला लिया है, इसलिए आज की बैठक में गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं और हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी हिस्सा ले रहे हैं। बाकी आगे सब्जेक्ट क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, वो हम पहले प्राइम मिनिस्टर से सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग की मांग क्या होगी मीर साहब? पहले एजेंडा तो बताएं, फिर उसके बाद मांग की बात आएगी। मांग तो हमारी वही है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो है 1,30,00,000 लोगों का जो सदमा है 5 अगस्त 2019 के बाद से, उस सदमे को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम अहमद मीर साहब थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, आज बैठक में प्रधानमंत्री के साथ हिस्सा लेंगे और कांग्रेस की मांग है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द चुनाव हो और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिग्विजय सिंह, गुलाम मीर और गुलाम नबी आजाद, अरुण सिंह के पास चलते हैं। इन तीनों के जो विचार हैं वो अलग भी हो सकते हैं। अरुण, देखिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से 370 को लेकर के बटी हुई है। बहुत ऐसे नेता हैं पार्टी के अंदर जो कहते हैं कि 370 अब इतिहास हो गया, हट गया है और देश में जो जनमत है वो इसके साथ था। यानी जो अमित शाह ने फैसला किया था 2 साल पहले, भारतीय संसद ने जिसको पास किया, उस फैसले के पक्ष में है देश, वोटर उस फैसले के पक्ष में, और इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति करनी है, उसको सिर्फ जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं है, और इसलिए बहुमत को और जनमत को ध्यान में रख करके 370 की वापसी की बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 6 अगस्त 2019 को जो अगले ही दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें ये तो रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये जो किया गया है वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है, संविधान सम्मत नहीं, जल्दबाजी में किया गया। लेकिन
कहीं पर भी उसमें यह मांग नहीं कि 370 को वापस किया जाए। जहां तक बात है पूर्ण राज्य के दर्जे की, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसमें भी एक पेच है आनंद, पेच ये है कि क्या एलजी के साथ विधानसभा होगी या फिर गवर्नर के साथ विधानसभा होगी। दिल्ली में आपने देखा है कि एलजी के साथ जो विधानसभा है हर तीसरे दिन झगड़ा होता है, क्योंकि एलजी के पास ये पावर है कि वो इस किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी प्रक्रिया को वो रिव्यू कर सकते हैं, फाइल लौटा सकते हैं या उस पर दखल दे सकते हैं। ये बात ज्यादा कश्मीर के नेताओं को मुश्किल में डाल रही है। मैंने अभी गुलाम नबी आजाद से पूछा था ये बात कि आप क्या चाहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले लेकिन क्या उस गवर्नर के साथ या एलजी के साथ, आखिर झगड़ा तो ये पूर्ण राज्य का मतलब हो गया गवर्नर के साथ, एलजी के साथ नहीं। तो वो इशारों में बात कर रहे थे, खुल के कुछ नहीं कह रहे थे, कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री हमसे बात कर लें, हम उनको सुना दें अपनी बात, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। तो 370-35 का जहां तक सवाल है, सरकार की तरफ से भी संकेत साफ है कि उस पर कोई नॉन नेगोशिएबल है, कोई उस पर नेगोशिएशन नहीं होने वाली। जहां तक पूर्ण राज्य की बात है उस पर हो सकता है चर्चा। बिल्कुल, ये पहली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के विकास की, जम्मू कश्मीर के भविष्य की बात कौन करता है, हर कोई क्या क्या रिप्रेजेंटेशन लेकर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा आप सबने संविधान को लेकर, संविधान पर शपथ ली है, भारत के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति आपकी एक मर्यादा है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, उसके प्रति आप कितने कटबद्ध हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और अगर आप हैं तो फिर आप अपनी बात रखिए, सरकार हमारी बात रखेगी और हम एक रोड मैप तय करेंगे कि राज्य के स्तर तक पहुंचने के लिए साल डेढ़ साल जितना लगे उसके लिए उसके बीच में हमें करना क्या है, और सोशल जस्टिस, गवर्नेंस फॉर ऑल, सब पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसी पर हम फोकस रखेंगे। अब से थोड़ी ही देर में रिलायंस का AGM भी शुरू होने वाला है, उसी पर हम चलेंगे जैसे ही वो स्टार्ट होता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अरुण सिंह, विक्रांत यादव और My dear.